लखनऊ में सपा नेता की 2.5 अरब की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व राज्य मंत्री की संपत्ति कुर्क हुई है। पूर्व राज्य मंत्री इकबाल और उसके पिता अजमत पर कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण समेत कई केस दर्ज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता की अरबों की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व राज्य मंत्री इकबाल और उसके पिता अजमत पर यह कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण समेत कई केस उनके ऊपर दर्ज है। पूर्व राज्य मंत्री की संपत्ति को सरकार से अटैच कर दिया गया है कुर्क करके। बहुत बड़ी खबर, अरबों की संपत्ति, समाजवादी पार्टी का नेता और पिता जो कि राज्य मंत्री भी रहे, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके प्रॉपर्टी बनाई गई, उस सबको सरकार ने कब्जा मुक्त कराकर सरकारी संपत्ति से अटैच कर दिया है। पूर्व राज्य मंत्री इकबाल और उनके पिता दोनों पर यह गंभीर आरोप, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए, संपत्ति को सरकार से अटैच कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता की 2.5 अरब की संपत्ति कुर्क की है राज्य सरकार ने, और गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व राज्य मंत्री की संपत्ति कुर्क हुई है। पूर्व राज्य मंत्री इकबाल और उनके पिता अजमत पर यह कार्रवाई की गई है। अजमत अली जो मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 2,54,45,02,951 रुपए है, आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया गया। राज्य के हक में यह संपत्ति कुर्क की गई है। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण समेत कई केस दर्ज पूर्व राज्य मंत्री पर, और इसीलिए 2.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया और सरकार के साथ अटैच कर दिया गया। लखनऊ में यह संपत्तियां हैं और इसे कुर्क करके सरकार की संपत्ति के साथ अटैच किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व राज्य मंत्री की संपत्ति कुर्क की गई। तो लखनऊ से आ रही इस खबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर प्रयागराज से है। यहां पर 20 सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया। यहां पर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले और सरेआम मारपीट होती रही। ये वाकया कर्नलगंज के कटरा इलाके का है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रयागराज में दो गुटों में जमकर मारपीट, सड़क की एक ओर ट्रैफिक चलता रहा, दूसरी ओर मारपीट होती रही। उधर बरेली में आग से हाहाकार मच गया। यहां सीबीगंज इलाके में चीनी से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। हाईवे पर धू धू करके ये ट्रक जलता रहा। ट्रक में भरा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से जाकर आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें, किस तरह एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने। आसपास ट्रैफिक चल रहा था और ट्रक जल रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफी देर तक जुटी रहीं। इस पर पानी फेंका जाता रहा। आसपास दहशत से भरे हुए लोग इस ट्रक को देखते रहे। ट्रक में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया और आखिरकार इस आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल क्षेत्र की खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में आग लगने से मौत हो गई। मायके पक्ष की तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ग्राम प्रधान और हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी बरसाए, इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर में पुलिस ने किसान नेता लक्ष्मण पांडे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जमीन के विवाद में हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मऊ के बिंदटोलिया गांव में दो बच्चों की डूबने से मौत के बाद सपा के डेलीगेशन ने परिवार से मुलाकात की, साथ ही कटान क्षेत्र का भी जायजा लिया। दरअसल घाघरा में डूबने से दो बच्चों की मौत हुई। गाजीपुर के गजराज गांव के दो युवकों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। ये दोनों सुल्तानपुर गंगा घाट पर जल भरने के लिए पहुंचे थे, जहां स्नान के वक्त दोनों की डूबने से मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वाराणसी में बनारस रेलवे स्टेशन के पास स्टंट करने वाले बाइकर्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद उनकी बाइक को सीज कर दिया है, साथ ही लिखित माफीनामा लेकर सभी बाइकर्स को चेतावनी देकर छोड़ा है।
मिर्जापुर पहुंचे भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने सपा और बसपा के ब्राह्मण कार्ड पर हमला बोला। कहा कि ब्राह्मण देशभक्त होता है, वो पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते पहले से उफान पर हैं कई नदियां। नेपाल से छोड़े गए पानी ने कई गांवों की मुश्किल बढ़ा दी है। घाघरा और सरयू नदी कई जिलों में उफान पर है। अयोध्या, बस्ती और बाराबंकी में नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। तो 16 जिलों में बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश के, और पहले से ही उफान पर है कई नदियां। और अगर फिर से लगातार और मूसलाधार बारिश होती है तो समस्या कितनी बढ़ सकती है, परेशानी कितनी बढ़ सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अवध क्षेत्र की कई नदियां पहले से ही उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से जो नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है वो पहले से ही चिंता का विषय है। लेकिन अगर अभी भी बारिश होती है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अलर्ट जारी किया गया है, तो फिर समस्या और बढ़ेगी। बस्ती में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर है। गोंडा में विसुही नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा का जलस्तर खतरे से ऊपर है। घाघरा भी डरा रही है वहां पर। बिजनौर में लगातार बारिश से नदियों और गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और अयोध्या में खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर है सरयू का जलस्तर। तो ये स्थिति है नदियों की, या तो वो खतरे के निशान के आसपास है या उससे ऊपर है। कई गांव में बाढ़ का पानी पहले ही घुसा हुआ है। निचले इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। और फिर से होगी बारिश अगर, तो समस्या विकराल हो जाएगी। प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर हैं। इनका जलस्तर बढ़ने से कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर गोंडा की, यहां सहायक नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। तेजपुर में बिशुई नदी का पानी गांव में घुस गया, जिससे फसल बर्बाद हो गई। दूसरी तस्वीर सीतापुर की है, जहां शारदा और सरयू के कटान से कई गांव में बाढ़ आ गई। खेतों से लेकर घरों और संपर्क मार्ग में नदी का पानी भरा हुआ है। और अमरोहा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर धनौरा तहसील के 10 से ज्यादा गांव के लोग बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर नदी और नहर पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पिंटून पुल के बह जाने के बाद गांव वाले नाव पर बाइक रखकर नदी और नहर पार कर रहे हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो उसे भी रस्सी के सहारे एक घाट से दूसरे घाट ले जाया जा रहा है। भयावह स्थिति अमरोहा, ये देखिए आप। नाव पर बाइक रखकर लोग पार कर रहे हैं। मुकेश है, नदी के किनारे बसे जो गांव के लोग हैं वो खासे परेशान। हालात बदतर हुए हैं वहां पर बारिश के बाद। जिनकी तबीयत खराब है उन्हें भी रस्सी के सहारे इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जीवन कितना कठिन है इन परिस्थितियों में, ये साफ देखा समझा जा सकता है। और अब ओलंपिक खेलों से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दें। मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ओलंपिक से बाहर हो गई है। फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं मनु और सौरभ। मिक्स डबल्स के 10 मीटर एयर पिस्टल से बाहर हुई है ये जोड़ी। मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी मिक्स डबल में फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही और अब ओलंपिक से बाहर हो गई है। मिक्स डबल्स के 10 मीटर एयर पिस्टल से बाहर हुई है ये जोड़ी। मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ओलंपिक से बाहर हो गई है। टोक्यो में इस वक्त ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और इस बार सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने हर बार की तुलना में क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए। अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी भारतीय खिलाड़ी, लेकिन मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी फाइनल में जगह नहीं बना पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेल के बाद अब सियासत की बात करते हैं। ब्राह्मण समाज को लुभाने को लेकर चल रही सियासी दलों की कवायद के बीच कानपुर में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्रनाथ त्रिपाठी ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधियों शिवप्रकाश शुक्ला और गैंगस्टर विकास दुबे की मूर्ति लगवाएंगे। राजेंद्रनाथ त्रिपाठी नाम ने शिवप्रकाश शुक्ला और विकास दुबे को महापुरुष बताते हुए कहा कि अगर फूलन देवी की मूर्ति लगाई जा सकती है तो शिवप्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा सकती। आज मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले
दिनों में मैं श्री प्रकाश शुक्ला और प्रकाश दुबे की भी मूर्ति लगवाने का काम करूंगा। जो चाहे जो करना सरकार मेरे खिलाफ है, वो प्रतिभा है हमारी। अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, लेकिन आने वाले दोनों को घोषित करता हूँ कि इन दोनों महापुरुष में मानता हूँ समाज का, इन दोनों महापुरुषों की प्रतिमा लगवाने का काम करूंगा। अगर फूलन देवी की प्रतिमा लग सकती है, तमाम डकैतों की प्रतिमा इस उत्तर प्रदेश में लग सकती है, तो श्री प्रकाश शुक्ला और प्रकाश दुबे की क्यों नहीं लगेगी। राजनीति में जब जाति प्रधान चीजें होने लगे तो ऐसे बयान सामने आते हैं। अवध क्षेत्र की खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज़ में। चलिए शुरुआत करते हैं। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बयान दिया। कहा कि चुनाव समिति केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन इसको तय करेगा। साथ ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आने की बात भी कही। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ दिखाई दी। बिना रजिस्ट्रेशन दूसरी डोज लगवाने के लिए काफी लोग पहुंचे, क्योंकि कोवैक्सीन की कमी के चलते रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। कानपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने खुली चुनौती दी है। साथ ही विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति प्रदेश में लगवाने की बात कही है। रायबरेली में बेखौफ दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दबंग महिलाओं को पीट रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। कानपुर देहात में भाजपा विधायक ने परशुराम का भव्य मंदिर बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी। कहा यहां परशुराम का भव्य मंदिर बनेगा और 20 से 25 फीट ऊंची विशाल मूर्ति लगेगी, जिसका भूमि पूजन भी कर दिया गया है। उन्नाव में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बिल्कुल खतरे के निशान के करीब है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में गंगा का पानी आबादी वाले इलाकों में चला जाएगा। हरदोई में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। पत्नी ने ही प्रेमी से पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने पत्नी समेत 4 लोगों को पकड़ा है। अवैध संबंध को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। यहां पर मोबाइल वैन से ज्यादातर एक्सपायरी दवाएं बांटी जा रही हैं, जिन्हें खाने से किसी की जान पर भी खतरा हो सकता है। भाजपा ने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। ताबड़तोड़ बैठकों के साथ अब दिग्गज नेताओं का यूपी दौरा भी शुरू हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वो 7 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर आएंगे और इस दौरान भाजपा का चुनावी मंथन भी होगा। आपको बताएं कि इसके पहले भी संगठन की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कई बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा का लखनऊ आगमन कई मायनों में अहम है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है बीजेपी की। 7 अगस्त को जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचेंगे और 2 दिन लखनऊ में रहेंगे जेपी नड्डा। जाहिर सी बात है, उनका फोकस रहेगा बैठकों पर, स्ट्रेटेजी पर आने वाले चुनाव की। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सक्रिय है इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ आने का मतलब पूरी पार्टी को मोबिलाइज करना उनका लक्ष्य होगा। लखनऊ दौरे पर 2 दिनों के लिए आ रहे हैं जेपी नड्डा। 7 अगस्त तारीख। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है, आज की इन स्टोरीज को हम ट्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं। किस तरह की हलचल उत्तर प्रदेश के अंदर है, कौन सी खबरें डेवलप हो रही हैं। आज कौशाम्बी में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ये प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है। 29 जुलाई को अलग अलग जिलों में ये सम्मेलन होगा। अयोध्या अम्बेडकर नगर के बाद आज कौशाम्बी में भी ये सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में आज निगरानी याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी मामले में मस्जिद के पक्षकारों ने चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में अदालत से केंद्र और राज्य सरकार से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया था और इसी आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई है। आज वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। वाराणसी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। दोपहर 12:30 बजे वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर
स्वर्गीय महंत रामेश्वर पुरी जी की श्रद्धांजलि सभा में भी वो शामिल होंगे। और फिर दोपहर 12:45 पर वाराणसी से जौनपुर आएंगे। यहां पर टीडीपीजी कॉलेज में मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और फिर बाद में वाराणसी लौटकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या विशेष है। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक है आज सुबह 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता। इसके अलावा देहरादून से खबर है आज पदभार ग्रहण करेंगे गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे वो। सुबह 10:30 जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे गणेश गोदियाल और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से शहीद स्थल पहुंचेंगे गणेश गोदियाल। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे। फिर दोपहर 12:30 कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचकर वो पदभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा आज भी उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट है। 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून जिलों में रेड अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश की आशंका है। बारिश की वजह से प्रदेश में कई सड़कें पहले से ही बंद हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में नदियों और नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है, साथ ही लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी की है।